मेरी तरफ से जो बात होगी जिसके साथ भी होगी मैं तसना करेंगे, ये मेरे वकील। मामले को अदालत में ले जाएगा। अरे मुझे तो लग रहा था कि तुझे तेरी भूल का एहसास हो गया है, और तू तो भूल कर भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो किस गुनाह की सजा दे रहा है अपने माँ बाप को? क्या अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारेगा? तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। और जब इंसान हकीकत नहीं देख पाता तो सारे रास्ते बंद हो जाते। और वैसे भी कभी ना कभी तो हमें सच्चाई का सामना करना ही, तो आज क्यों नहीं? मैं किसी झूठ की बुनियाद पर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। और वैसे भी अब मेरी तरफ से जो बात होगी मिस्टर सिन्हा करेंगे, मैंने मिस्टर सिन्हा अरे बताइए मेरे घर वालों को कि मुझे हिस्सा चाहिए बिजनेस में, इस घर में बंटवारा चाहिए मुझे। किस हक की बात कर रहा है तू? इस घर का कौन सा हिस्सा चाहिए तुझे? जमीन पर तो खड़ा है, क्या उस पर तेरा हक है? इस घर की छत तेरी कमाई से नहीं, मेरे पति के पसीने की कमाई की है। और जो इस घर को बांटने की बात कर रहे तू, उस घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं। मैं पूछती तेरी जिंदगी में कमाया ही क्या है? हैसियत क्या है तेरी? कोई मायने है तेरी जिंदगी की? कोई वजूद है? तेरे से तेरे माँ बाप की पहचान नहीं है, तेरे माँ बाप से तेरी पहचान है। और तू आज वकील लेकर आया है? वकील साहब प्लीज, ये हमारे घर का मामला, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मिस्टर सिन्हा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये कोई आपस का मामला नहीं है। मैं अपना फैसला ले चुका हूँ और अब मुझे आपस का फैसला जाना है। अब अगर एक लफ्ज भी निकाला तो सारे रिश्तों का फैसला अभी हो जाएगा। इस घर से बाहर जाने का रास्ता हुआ है, और आई तो इस घर में आने की हिम्मत मत करना। आप जा सकते हैं। शराब तुम्हें बंटवारा चाहिए ना, हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? आज बंटवारा होके रहेगा, मैं दूंगा तुम्हें एक एक पाई का हिसाब दूंगा। मैं करूंगा इसका हिसाब।
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में आके मेरा बेटा मुझसे मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब मांगेगा। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी परवरिश, उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी कविता, कोई जगह नहीं थी। आज मेरी परवरिश ने, मेरे विश्वास ने मुझे धोखा दे दिया। रवि को बंटवारा चाहिए है? मैं करूंगा उससे इस्लाम। पापा प्लीज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भैया की नाराजगी मुझसे है, आपसे नहीं। और फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कह दिया। नहीं अजय, आज उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसमें अपनापन नहीं था, परायापन था। कोई अपनों से हिसाब नहीं मांगता मैं। रवि को बंटवारा चाहिए, बंटवारा। पापा प्लीज प्लीज, आप शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बीच कोई बंटवारा नहीं होगा। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या क्या छोड़ेगा तू उसके लिए? क्या छोड़ेगा? बचपन से आज तक तो क्या करता है उसके लिए? अरे आज वो अपने पापा से भी बड़ा हो गया, उसे हक चाहिए अपना। उसे पता नहीं उसकी जिंदगी की आधी खुशी तेरा नसीब से उसे मिली है। उसे हक चाहिए, आज उसको वही मिलेगा जो उसे चाहिए। अरे आज तो उसके उस दिल को भी मार दिया जिसके बट्टे से जिंदगी को जिंदगी भी नहीं मिलती। हक चाहिए उसे। लौट कर आए हैं आप पापा। अब आपकी बर्बादी का तमाशा भला आपके बिना कैसे पूरा हो सकता था? काम हो गया, ये रही आपकी अमानत। इसमें वही पैसे जो देवराज चौधरी से उधार मांग के लेके आ रहा था। तुम्हारा इनाम। जा सकते हो। माझी की बात नहीं डालेंगे। काश काश तुम्हारी बातें सच साबित हो। अजय, इस घर के टुकड़े नहीं होने देंगे हम। बनाया था हमने एक आशिया गिरी बिजली।
मैं अंदर आ सकता हूँ रवि अग्रवाल? पापा ये सब रिश्तों का वास्ता दिल से होता है रवि अग्रवाल, रिश्ते रिश्तों का नाम लेकर नहीं बनते। जिंदगी के रास्ते पर पूरी जिंदगी साथ चलकर एक रिश्ते को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पापा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, एक्चुअली इसी बात का अफसोस है मुझे कि अपनी औलाद को समझने में पूरी जिंदगी निकल गई। तुम्हें बंटवारा चाहिए था, अपना हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? मैं करता हूं था, मैं करता हूं हिस्सा, तुम्हारे बचपन से शुरू करते हैं। ये तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक हर साल तुम्हारे पैदा होने के बाद अपनी बुढ़ापे की पूंजी समझकर हम इसे संजोगे रखते हैं। कौन इनका हिस्सा, कहां से बांटोगे इन्हें बोलो? ये वो यादें, तुम्हारी तस्वीरें, निकाल लो इनमें से अपनी यादें जिनमें सिर्फ तुम्हारा हक है। लो याद है, याद है तुम्हें ये खिलौना, ये खिलौना तो तुमने और अजय ने साथ खेल खेल के इस धरती पर, इस मकान में, इसकी नींव में पहले कदम रखे थे अपने चलना सिखाना। तो आज उसी जमीन को तुम बांटने की सपना देख रहे हो, बांटो कहां से करते हैं इससे जमीन की, करो इससे क्या कीमत लगाओगे इनकी, बोलो रवि बोलो। देखिए रवि क्या था तुम्हें, आज ऐसे छीन कर तुमने तुमने छुपा दिया था, याद है? याद है तुम्हें अचानक वो आंसू जो उसने रात भर बहाए थे? करो उसका हिसाब, क्या बोल रहा थे वो रात भर का? और ये है मेरी आज तक की कमाई हुई पूंजी, मेरी जमीन जायदाद, करो इसके हिस्से, तो चाहिए करो इससे। पापा नहीं यशपाल अग्रवाल खड़ा है तुम्हारे सामने, जो आज तुम्हारे जन्म का तुम्हारे पास कर्ज चुका रहा है। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपने उस भाई से हिस्सा मांग रहे हो जिसके हिस्से का हर सुख तुमने बचपन से आज तक उससे छीना है? पापा बस ले नहीं जानते, अगर आप अजय की हकीकत जानते तो आप ऐसा नहीं कहते, आप भी वही कहते जो मैं कह रहा हूं। मैं गलत नहीं हूं पापा, आप नहीं जानते, आपके पीछे अजय ने मेरा कैबिन चलाने की कोशिश की, मुझे जान से मारना चाहता है वो। पापा अजय मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रवि भैया, आप जानते हैं अजय भैया आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। अजय भैया को गलत समझ रहे हैं, आप नहीं जानते अजय भैया आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। तारा तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, मैं भी इसी भ्रम में आज तक जी रहा हूं और वो भ्रम आज टूट गया है। अजय की असलियत से मैं अब जाके वाकिफ हुआ। पहले मैं नहीं जानता था तारा बेटी कि वक्त ने रवि अग्रवाल के दिल में नफरत की इतनी गहरी खाई होती है, इसकी आंखों पे झूठ का ऐसा पर्दा डाल दिया कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब वही होगा रवि अग्रवाल, वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा। बताओ तुम्हारे मां और तुम्हारे बाप के दिल का कौन सा हिस्सा चाहिए तुम्हें, बताओ तुम, वही होगा। Oh, baby.
सुख नहीं मिलता है और परिवार का साथ तो तभी मिलता है ना जब जब साथ में रहते अलग होकर नहीं माँ जी अलग होकर नहीं प्लीज प्लीज माँ जी आप हमारे घर को बंटवारे से रोक दीजिए प्लीज हमारा घर बर्बाद हो जाएगा माँ जी बर्बाद हो जाएगा राधा बेटी रो मत इतना परेशान मत जैसे देवयानी मेरी बेटी है ना वैसे तुम मेरी बेटी हो मैं भूली नहीं हूँ बेटा कि देवयानी की विदाई तुम्हारे घर से हुई थी तुम बेफिक्र मैं देवयानी से बात करूंगी मुझ पर भरोसा रखो बेटा मैं तुम्हारा घर टूटने नहीं दूंगी ये एक माँ का वादा है अपनी बेटी से और मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी बेटा तुम बेफिक्र और रोना बंद करो तेरी कहानी।